हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 का फुल रिवीजन टेस्ट, जो कि ज्योग्राफी का है। आपको चैप्टर्स पहले से ही बता दिए गए थे, क्लास 6 और क्लास 7 के चैप्टर्स, तो आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी और बहुत अच्छे से, जैसा कि पहले के आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं तो बहुत अच्छे ही आपके मार्क्स आए थे, तो इसी तरीके से आज का टेस्ट भी आपको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन 1 है, अरसा मेजर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अरसा मेजर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? स्मॉल बियर, मिल्की वे, ग्रेट बियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को लगाया है, ग्रेट बियर, तो वो अपने आप को एक मार्क्स देंगे और लास्ट में आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन 2 है, तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड? तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है? ईश्वरवाद का सिद्धांत, बिग बैग सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत, तो वो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देने वाले धूमकेतु कौन सा है, जो कि प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है? गैरी, हैली, स्टॉर्क या निकोलस? तो इसका आंसर जो है, जो आप लोगों ने लगाया है और लगभग सभी का ही सही है, कि इसका आंसर हैली, जो कि 76 वर्ष में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को हमारी जो पृथ्वी है वहां तक पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट, 8 मिनट 30 सेकेंड, समय नहीं लगता है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर देने हैं आपको, क्योंकि हमको काफी क्वेश्चन करने हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आंसर जिन बच्चों ने लगाया है ऑप्शन बी को, 8 मिनट 30 सेकेंड, तो उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किस ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा 2006 में दिया? प्लूटो को, एरीज को, सैरीज को या इनमें से कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किस ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा दिया 2006 में? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उस ग्रह का नाम लिखा होगा और पूछा जाएगा कि इस ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, तो आंसर क्या है इसका? प्लूटो। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन 7, निम्न ग्रहों में आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्न ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि। तो सर ने आपको ज्योग्राफी में हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो इसका आंसर जो है वो सभी का सही होना चाहिए। तो देखिए, यदि आपको आंतरिक ग्रह का पता है तो आपको इसका आंसर सही मिल जाएगा। शनि जो है वह आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं, और शनि जो है वह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन 8 का आंसर दीजिए, शुद्र,
अवांतर ग्रह क्षेत्र किन ग्रहों के मध्य स्थित है? मंगल और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, मंगल व शुक्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर आपको हिंदी में ना देकर इंग्लिश में पूछ ले कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य स्थित है। अब आप फटाफट से इसका सही आंसर दें। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? आंसर होगा इसका बिल्कुल सही, मंगल और बृहस्पति के मध्य। निम्न में से बौने ग्रह के उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? प्लूटो, प्लूटो तो हमने देख लिया बौना ग्रह है, एरीस, सैरीस, या इनमें से कोई नहीं? तो अब आपको आंसर देना है कि इनमें से बौने ग्रह के उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन तो कट हो जाता है, हमने अभी देखा था प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर सीरीज को याद किया है उनका तो आंसर सही है। देखिए इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों ही बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 25 सेंटीग्रेड, 15 सेंटीग्रेड, 18 सेंटीग्रेड या 35 सेंटीग्रेड? तो यहाँ सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों ने याद किया है तो 2 या 3 सेकंड में सही आंसर आप दे दोगे। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान जो है वह है कितना है? तो बिल्कुल आपका जो आंसर है 15 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जिनका गलत भी हुआ है वो भी अब इसे याद कर ले, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, चंद्रमा का परिक्रमा काल व घूर्णन काल क्रमशः है 27 दिन व 29 दिन, 29 दिन व 27 दिन, 24 दिन व 30 दिन, या 30 दिन व 24 दिन? यानी चंद्रमा का परिक्रमा काल वो आपको ये जो लेफ्ट साइड में है परिक्रमा काल है और राइट साइड में घूर्णन काल है। तो चंद्रमा का जो परिक्रमा काल है वो कितना है? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर जो है वो सही है 27 दिन व 29 दिन, ठीक है। 27 दिन परिक्रमा काल है और 29 दिन घूर्णन काल है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है? 66.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये तो हमें पता है पूर्वी देशांतर है। तो आंसर क्या होगा? भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है, आंसर जो सबका सही है 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है, फटाफट से इसका आंसर देना है, 1 डिग्री देशांतर में कितने समय का अंतर आता है? 4 सेकंड का, 4 मिनट का, 4 मिनट 30 सेकंड का, या इनमें से कोई नहीं? 1 डिग्री देशांतर यानी 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच में कितने समय का अंतर आता है? 4 सेकंड, 4 मिनट, 4.5 सेकंड, सॉरी 4 मिनट 30 सेकंड, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देखो इसका जो आंसर है क्या है उसका आंसर, तो आंसर जो है वो है 4 मिनट। नेक्स्ट है 14, यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? 12, 40, 1 बजे, 1:20, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है, तो आप इसका सही से आंसर जो है वो लगाइएगा, फटाफट से निकालिए कि यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 1 बज रहे हैं
तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? चलिए, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा कि कितना समय होगा। तो आंसर जो है वो इसका होगा 12:40। यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1486 में, वास्को डिगामा ने 1498 में, कोलंबस ने 1492 में, या विलियम जेम्स ने 1482 ईस्वी में? यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर भी हम याद किए हुए रहते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। अब देखिए, यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो कई बच्चे याद करते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज, यूरोप से लेकर भारत तक की, तो ये की थी बास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है लाल नहर, स्वेज नहर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, माइंड में आपके जो मैप है वो छप जाना चाहिए वर्ल्ड का, कि एशिया कहाँ है, एशिया महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर जो है, देखिए आपकी बहुत छोटी क्लासेस हैं, 6 और 7 क्लासेस, लेकिन वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर जो है वो इसका है लाल नहर और स्वेज नहर। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर किस स्थान पर है? इराक ईरान सीमा पर, जॉर्डन इजराइल सीमा पर, फिलीपींस के तटीय क्षेत्र में, या हिंद महासागर में? अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, अब दोबारा भी आ सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी और आपके सामने ये दोबारा से आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप कैसे इसका आंसर सही दोगे? विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, ये किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो होगा जॉर्डन इजराइल सीमा पर, ठीक है? नेक्स्ट बार क्या पता एग्जामिनर आपका क्वेश्चन इस तरीके से चेंज कर दे कि जॉर्डन इजराइल सीमा पर विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो आंसर होगा मृत सागर। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन की नदी को, टुंड्रा प्रदेश को, अमेजन के जंगल को, या यूरेशिया को? तो धरती के फेफड़े जो है वह किसे कहा जाता है? तो आंसर जो है वो क्या होगा, जो कि सभी का सही होगा ये आंसर, तो क्योंकि धरती के फेफड़े जो है वो कहा जाता है अमेजन के जंगलों को, ठीक है? अमेजन की नदी को नहीं, अमेजन के जंगलों को, ठीक है? जो कहाँ है, ब्राजील में। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है फेजेंडा क्या है? क्या आप लोगों ने पढ़ा था ये क्वेश्चन, फेजेंडा क्या है? कॉफी के बागान, चाय के बागान, फलों के बागान, या फूलों के बागान? बहुत जल्दी ही इसका आंसर देना है। फेजेंडा क्या है? कॉफी के बागान, चाय के बागान, फूलों के बागान, या फलों के बागान? तो आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही है, कॉफी के बागान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग, कुवैत, इजराइल और वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर है इसका
आंसर जो है वो क्या है इसका, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो जिन्होंने वेटिकन सिटी को लगाया है बिल्कुल सही है उन बच्चों का आंसर। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। मैरिनो क्या है, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल, भैंस की नस्ल या गाय की नस्ल? तो इसका आंसर जो है वो है भेड़ की नस्ल। ठीक है, चलिए। प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला क्यों कहा जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग को कहा जाता है अग्नि मेखला, तो क्यों कहा जाता है? भूकंप व ज्वालामुखी के अधिक होने के कारण, यानी वहां भूकंप और ज्वालामुखी अधिक आते हैं इसलिए कहा जाता है। दूर से देखने में अग्नि की मेखला लगती है। विभिन्न प्रकार की शैवालों के कारण, प्राकृतिक गैसों के रिसाव से आग लगने के कारण। तो अग्नि मेखला क्यों कहते हैं प्रशांत महासागर के तटीय भाग को? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन ए, भूकंप व ज्वालामुखी की अधिकता के कारण प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्निमेखला कहा जाता है। देखिए, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप 2011 से लेकर अब तक क्वेश्चन आंसर सीरीज यदि आप पहले के देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो वहां देखिएगा यहाँ से बाहर नहीं आया है। राजस्थान को धरती धौरारी क्यों कहा जाता है? रेत के टीलों के कारण, अत्यधिक दोहरे होने के कारण, रेगिस्तान के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इतना तो राजस्थान के वासी होने के कारण पता ही है सबको कि राजस्थान को धरती धौरारी क्यों कहा जाता है। आंसर क्या है इसका, क्या रेत के टीलों के कारण कहा जाता है, या अत्यधिक दोहरे होने के कारण, रेगिस्तान के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो ये है कि यहाँ पर रेत की टीले बहुत हैं, इसीलिए धरती धौरारी कहा जाता है राजस्थान को। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊंची घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ठीक है, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊंची घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान, या प्रेयरी घास के मैदान? तो ये चारों ही हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन सभी को ही आपको याद रखना है कि सभी घास के मैदान जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा है उत्तरी अमेरिका के, तो आंसर जो है वो होगा आंसर देखिए प्रेयरी घास के मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, यांगटीसी नदी या अमेजन नदी? तो क्या होगा इसका आंसर, यहां पर देखिए पूछा क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, आंसर जो होगा वो होगा यांगटीसी नदी। यहाँ पर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, ना कि विश्व की। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो होगा सी, यांगटीसी नदी। क्वेश्चन 26। पर्वत प्राकृतिक तौर पर आसपास के स्थानों से कितने ऊंचे होते हैं? पर्वत प्राकृतिक तौर पर आसपास के स्थानों से कितने ऊंचे होते हैं? 600 मीटर, 1200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर? तो पर्वत और पठार दोनों के बारे में ही पूछा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन है पर्वत के बारे में, कितने ऊंचे हो सकते हैं वो? तो आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर जो है वो आपको लगाना है और बिल्कुल सही उत्तर देना है, गलत किसी का नहीं होना चाहिए।
तो इसका आंसर जो है वो होगा 600 मीटर। ठीक है, पर्वत जो होते हैं वो आसपास के स्थानों से 600 मीटर ऊंचे होते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियां किस मौसम में आती हैं? वर्षा के मौसम में, बसंत में, सर्दियों में या गर्मियों में? चलिए, इसका सही आंसर है गर्मियों में। ठीक है, तो हिमालय में जहां बर्फीला इलाका है तो वहां पर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए कि जो जनजातियां हैं वो किस मौसम में जाएंगी वहां पर? गर्मियों में जाएंगी। ठीक है, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी होती है, बसंत में नहीं जाएंगी और वर्षा में भी नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 300 मीटर से कम और समतल भूभाग क्या कहलाता है? मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत। पर्वत के बारे में हमने अभी देख लिया कि 600 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। यहां पूछा है समुद्र तल से 300 मीटर से कम और समतल, तो समतल क्या होगा? पर्वत होगा, पहाड़ी होगी, पठार होगा या मैदान होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही था, मैदान होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप किस नदी में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप मांझुली द्वीप है, जो कि किस नदी पर है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या सिंधु नदी? तो आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रकाश प्रकीर्णन का कारण वायुमंडल का कौन सा घटक है? जल वाष्प, गैसीय पदार्थ, धूल कण या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश प्रकीर्णन का कारण वायुमंडल का कौन सा घटक है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर तो बिल्कुल धूल कण। 31 है, धरातल से क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाने पर औसत कितनी ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। धरातल से क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो कितनी ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? 163 मीटर, 162 मीटर, 159 मीटर या 165 मीटर? तो क्षोभ मंडल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कितनी ऊंचाई पर जाकर कम होता जाता है, क्योंकि कम होता जाता है टेम्परेचर। तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वह क्या लगाया आप लोगों ने आंसर? चलिए मैं आपका देख लेती हूं पहले। तो बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है 165 मीटर। वायुदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? वायुदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? एमीमीटर, बैरोमीटर, एनीनोमीटर या एनोमीटर? बिल्कुल सोच समझकर इसका आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वायु दाब मापने का यंत्र, सभी एक जैसे लग रहे हैं। चलिए, सभी ने लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूं इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। राजस्थान की लू, चिनुक, रॉकी पर्वत, फोहन और मिस्ट्रल यूरोप किस प्रकार की पवने हैं?
राजस्थान की लू, रॉकी पर्वत की चिनुक, यूरोप की फोन और मिस्ट्रल, ये किस प्रकार की पवने हैं? स्थानीय पवने हैं, मौसमी पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं या ध्रुवीय पवने हैं? तो यहाँ पर राजस्थान की लू जो है वो किस प्रकार की पवन है, इसी का आपको पता होगा तो आप सही आंसर दे पाओगे। क्या राजस्थान में जो लू है वह मौसमी पवन है, व्यापारिक पवन है, ध्रुवीय पवन है या स्थानीय पवन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्थानीय पवने हैं ये, क्योंकि ये एक विशेष स्थान में चल रही हैं। ठीक है, तो इस राजस्थान की लू से ही आप याद रखिएगा कि ये सभी क्या है, स्थानीय पवने हैं। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 168 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर या 119 सेंटीमीटर? तो राइट आंसर जो है यहां पर आंसर अलग अलग है, ये है 117 सेंटीमीटर। देखिए अभी तो मैंने आपको सिक्स और सेवन्थ दो ही क्लासेस दी थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज में लाने हैं। क्वेश्चन 35 है, गंगा यमुना नदी के किनारे बसा शहर है वाराणसी, देवप्रयाग, हरिद्वार या इलाहाबाद? गंगा यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, तो आंसर क्या है इसका, इलाहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गंगा यमुना का संगम जो है वो कहां पर होता है, इलाहाबाद। विश्व की सबसे खारे पानी की झील जिसका नाम है वॉन झील, ठीक है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वॉन झील, किस देश में स्थित है? तुर्की, ईरान, इराक या इजराइल? तो आंसर है क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए, तुर्की। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बना? 1986 में, 1996 में, 1974 में या 2005 में? आंसर है इसका 1974 में। ठीक है, जिसका सही है वो अपने आप को एक मार्क्स देंगे। जल दिवस वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 जून, 30 मई या 21 फरवरी? तो देखिए इसमें तो कुछ भी समझने वाला नहीं था, ये तो सिर्फ याद रखने वाली बात है कि जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाते हैं। गोल्ड ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को, परमाणु ईंधन को, सौर ऊर्जा को या जल को? गोल्ड ऑफ फ्यूचर। तो आंसर क्या है इसका, गोल्ड ऑफ फ्यूचर किसे कहेंगे? आंसर है इसका जल को। ठीक है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो भविष्य में सोने की तरह क्या होगा, ये यूज होगा। ठीक है, तो गोल्ड ऑफ फ्यूचर क्या है, जल।
विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग चारागाह उपयोग में आता है? 11%, 20%, 31% या 38%? आंसर होगा इसका 20%। तो अपना आप ये आकलन लगाइए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन उपयोग में आता है? 60%, 31%, 20% या 38%? आंसर जो है 41 क्वेश्चन का आंसर। यदि आपने ऑप्शन सी को लगाया है तो आप लोग सही हैं 20%। 42 है, भारत का महानगर जो 7 द्वीपों पर बसा हुआ था लेकिन वर्तमान में मुख्य भूमि का हिस्सा है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या गोवा। तो इस तरीके से कि वो कौन सा महानगर है जो 7 द्वीपों पर बसा हुआ था। आंसर क्या है? वो महानगर है मुंबई। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, नीदरलैंड में बांध जिन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों की घटनाओं से रक्षा हेतु बनाया जाता है क्या कहलाता है? पोल्डर, बैरिकेट, रक्षक बांध या इनमें से कोई नहीं? नीदरलैंड में बांध जिन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों की घटनाओं से रक्षा हेतु बनाया जाता है, तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? पोल्डर होगा या रक्षक बांध होगा? तो यह आंसर जो है वो होगा पोल्डर। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के विस्तार को रोकने के लिए किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? किसके लिए? पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है तो वो ज्यादा ना बढ़े, उसे रोकने के लिए किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, राज्य शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, मरुभूमि अनुसंधान केंद्र या राजीव गांधी अनुसंधान केंद्र? जिन बच्चों को क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो प्लीज 6 और 7 के ही चैप्टर्स अभी आपको बताए थे, ठीक है? अभी इतनी बड़ी क्लासेस के नहीं बताए थे, तो यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को दोबारा पढ़िए। आंसर है इसका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा से कितने अक्षांश तक पाए जाते हैं? केवल 10 डिग्री उत्तर अक्षांश, केवल 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो होगा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अब हम 46 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अप्पिको आंदोलन तमिलनाडु,
उत्तराखंड, हिमाचल या कर्नाटक? अपिको आंदोलन जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, हिमाचल से या कर्नाटक से? जिन्हें इसका आंसर नहीं भी आता है तो वो लैंग्वेज को देखिए, अपिको आंदोलन, ठीक है? अपिको जो वर्ड है वो आपको कौन से राज्य का लग रहा है? तो आंसर जो है वो है इसका कर्नाटक। नेक्स्ट, लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक, किसके द्वारा बनाई जाती है? IUCN, UNO, UNDP या यूनेस्को? तो आंसर जो है वो इसका क्या है कि जो रेड डाटा बुक है वो बनाई जाती है IUCN के द्वारा। राजस्थान के किस गांव में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने की परंपरा स्थापित की गई है? पिपलांत्री गांव, खेजड़ी गांव, अपिको या राजसमंद? तो ये जो बी ऑप्शन है इसको आप खेजड़ली गांव कर लें, ए ऑप्शन है पिपलांत्री, खेजड़ली, अपिको या राजसमंद। तो अपिको तो होगा नहीं, ये तो कर्नाटक का है। तो ए, बी और डी, इनमें से आपको बताना है राजस्थान का वो गांव जहां बेटी के जन्म होने पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। आंसर जो है वो है इसका पिपलांत्री गांव। वृक्ष मेला राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या करौली? वृक्ष मेला राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या करौली में? इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी टाइम आपके लिए बचा है। तो आंसर जो है वो होगा जोधपुर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है ज्योग्राफी का। विश्व का फालुद्दान किसे कहा जाता है? विश्व का फालुद्दान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वनों को, यूरेशिया को, अमेजन के जंगलों को या उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन मैं ही काट देती हूँ, बी और डी। अब आप बताइए, भूमध्य सागरीय वनों को या अमेजन के जंगलों को विश्व का फालुद्दान कहा जाता है? तो इसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगा और सबने सही दिया है कि भूमध्य सागरीय वनों को फिर विश्व का फालुद्दान कहा जाता है। इसके बाद आपकी यूनिट 7 जो कि ज्योग्राफी की होगी और आपका ज्योग्राफी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो करते रहिए मेहनत और खुद को मोटिवेट रखिए और डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज को याद करते रहिए। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आपका सिलेबस जो है वो होगा। इसके अलावा आपके पास बाकी सब्जेक्ट भी हैं तो उनके ऊपर भी आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।